बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी कुकिंग टेबल सेटिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, जिसका नाम है स्पाइसी चिकन टेंडर पॉप्स। आप बहुत ईजीली इसको घर पर तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इस रेसिपी से मैंने पहले आपको बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची फ्राइड चिकन जो है वो करना बताया था। चेंजिंग्स हम इसमें कर इससे मज़ेदार से स्पाइसी चिकन टेंडर पॉप जो है वो तैयार कर लेते हैं। ये रेसिपी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी और पसंद इसलिए भी है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत कम इस्तेमाल होते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। मैं आपको बताती हूँ कि स्पाइसी चिकन टेंडर पॉप्स जो हैं वो मज़ेदार से हम घर पर किस तरह से तैयार करें। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है और बोनलेस चिकन को ये देखें, मैंने इस तरह से इतने पीसेस में काट कर रख लिया है। इसके साथ ही साथ अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। पानी इतना ऐड होगा कि ये चिकन इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाए। पानी हमने इसके अंदर डाल दिया है, चिकन इसके अंदर अच्छी तरह से डिप हो गया है। इसके अंदर मैं हाफ टेबल स्पून के करीब नमक ऐड करूँगी और इसके साथ ही साथ मैं हाफ टेबल स्पून के करीब इसके अंदर रेड चिली पाउडर यानी कि लाल सूख मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी और ये मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेट कर दूंगी। चिकन जो है वो अंदर तक सॉफ्ट हो जाता है और जब हम इसको फ्राई करते हैं तो ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रंची सा बनता है। तो चलें दोस्तों, आधे घंटे तक के लिए मैं इसको मैरिनेट कर देती हूँ और फिर उसके बाद मिलते हैं स्पाइसी चिकन टेंडर पॉप्स बनाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जी, तो हम आधे घंटे के बाद आ गए हैं। आधा घंटा हो गया है हमें अपने ये स्पाइसी चिकन टेंडर पॉप्स के चिकन को मैरिनेट किए हुए। अब इसके ऊपर से ये पानी जो है इसको मैं अच्छी तरह से सारा निचोड़ लूँगी। तो चलें इस पानी को हम गिरा देते हैं जी। तो ये जैसा आप देख सकते हैं, मैंने चिकन के ऊपर से पानी जो है वो गिरा दिया है। अब मैं दोबारा से इसके अंदर हाफ टेबल स्पून के करीब नमक ऐड करूँगी और 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसके ऊपर लाल सूख मिर्च का पाउडर डालूंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये फोक लेकर हम लोग इस तरह से चिकन पीसेस के अंदर थोड़े से सुराख कर लेंगे। इसकी कोटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर मैदा लिया है और इस मैदे के अंदर मैं 1/4 टीस्पून के करीब नमक ऐड करूँगी और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसको फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसको मिक्स करने के बाद हम एक चिकन का पीस उठाएँगे इस तरह से और इसको इसमें अच्छी तरह से कोट करेंगे और कोट करने के बाद हम इसको फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल देंगे। ये अच्छी तरह से हमने इसको कोट कर लिया है और कोट करने के बाद हम इसको उठाकर इस तरह से कढ़ाई में डालते जाएंगे। चिकन टेंडर पॉप्स बनाते हुए यहाँ पर इस रेसिपी से जो पहले मैंने आपको क्रिस्पी क्रंची चिकन बनाया था, ये दोनों इस रेसिपी के साथ बनाते हुए एक बात का ख्याल आप ज़रूर रखिएगा कि जब आप चिकन ऑयल में डाल रहे हैं, एक तो ऑयल आपका अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए और दूसरा आपकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल हाई होनी चाहिए। इस तरह से चिकन के ऊपर लगी हुई कोटिंग जो है वो उतरती नहीं है। 1 मिनट तक आप इसको हाई फ्लेम पर बनाएं, फिर उसके बाद आप थोड़ी सी मीडियम लो फ्लेम कर या मीडियम फ्लेम करके तो इनको कुक करें। अंदर डालने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम इसको मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। ये तीन से चार मिनट तक जब हो जाएंगे तो तब इनकी साइड आप चेंज करें जी। ये तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं और हमारे स्पाइसी चिकन टेंडर पॉप्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत कलर आया है और ये बहुत ही क्रिस्पी से हैं। इसी तरह से हम बाकी के टेंडर पॉप्स भी फ्राई कर लेंगे। इनको हम निकाल लेते हैं जी। ये देखें, ये हमारे मज़ेदार से स्पाइसी चिकन टेंडर पॉप जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये मेरी बहुत ही फेवरेट रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी सी ये बनते हैं। तो चलें मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये अंदर से कितने सॉफ्ट हैं और ये देखें,
बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगेगी तो इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।